पापा जी, इस तबले को केले की तरह मत ठोको। चुप। तुम जिस तरह मर्जी ठोको भैया, लेकिन इस कूड़े करकट को ले जाओ मेरे घर से। ये भी ले जाओ। बाबुल मोरा, बाबुल मोरा, इसका दाम बोलो। 100 रुपया। नहीं, 115। नहीं, 150, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जाओ, 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 जाओ। अरे तू इसे 150 में ही ले जा। आपके सब मिलाकर हो गए 500। अच्छा दे, ये लीजिए। 500। एक, दो, एक, तीन, चार, ये पूरे बाबुल मोरा। देख पुत्र, इस 500 रुपए से तेरा अजीत दा ढाबा लाखों में खेलेगा। तो मत चल। चल वो जाने वाले वो सके तो लौट के आना। क्या करना? याजीत का बजा लेकर कहाँ जा रहा है? अरे रोकड़ा देके जा रहा हूँ भैया। साला चोरी किया? नहीं, चोर नहीं, चोर याजीत, नहीं, साला चोरी किया? नहीं, ये क्या रे? तुम ऐसे आके बंद करके बैठे हो क्या? अगर मैं ना आ गया होता तो सारा सारा सामान लेके भाग गया होता। ये क्या? क्या रे? तूने मेरे अजीत के दिल को ठेस पहुंचाई हो? नहीं, ये चोर नहीं, ये तो कबाड़िया है। मैंने ये सब बेच दिया। अरे जब गाई नहीं सकता तो बाजे की क्या जरूरत? अब तो मेरा अजीत दा ढाबा अजीत दा तोली मेरी मदद कर। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बोलो फरियादी, हमें उन गुंडों से बचा लीजिए। हम रोज हफ्ता भरकर तंग आ चुके हैं। धंधा करे न करे उनको हफ्ता देना ही पड़ता है। हमें बचा लीजिए। गुंडों से बचा लीजिए। हम तो जासूस हैं, ये हमारा काम नहीं। फिर भी हमसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। क्या करता है ये? जनता के दुख की आवाज है, इसे हम जरूर सुनेंगे। क्या करता है? क्या है? कानून के एड्रेस भूल गया हूँ। फिर भी तुम्हारा विलन कौन है? एक हो तो बताएं, वो तो 8 है। घनश्याम जी। बोलो श्याम जी। ये तो बहुत खतरे का काम है, बहुत कसके मार पड़ेगी। कपड़े भी उतर जाएंगे। तो भाग चले। भाग चलते हैं। तुम लोग कौन हो? कौन हो? हम विलन हैं। hey, तुम कौन है? हम लोग हीरो हैं। हीरो है और जासूस भी हैं। और जासूस भी? अरे तुम जासूसी कब से करने लगे रे? 5 मिनट हुए। हमने कितने मिनट हुए? अरे तुमसे मतलब? तुमसे मतलब? अरे हफ्ता दिया कि नहीं? घर में कैलेंडर नहीं है। नहीं है? अरे यहाँ हफ्ता दिए बगैर किसी के बाप की हिम्मत नहीं जो धंधा कर सके। क्यों, तुम्हारे राज का बाप है? बाप का राज है। बाप का राज है, हम हफ्ता नहीं देंगे। नहीं देंगे? मरना चाहते हो? नहीं, मारना चाहते हैं। मारना चाहते हैं। अरे चलो आज इनसे मार खा के देख लेते हैं। क्या? अच्छा, क्या क्या खाओगे? क्या क्या खाओगे? खाने की बहुत चीजें हैं। पंजाबी है, मुगलाई है, चाइनीज है। एक मिनट खड़े रहो, अभी लेकर आते हैं। लेकर आते हैं? ये नूडल्स अपने से भी टूटे भाई। ऐसे बोलने तो पब्लिक भी मारेगी। खड़ा जा। आप लोगों ने बहुत बहादुरी दिखाई। वो हम हमेशा दिखाते हैं। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी करो यार। आपने गुंडों को भगाया, आपकी फीस क्या होगी? ये तो हमारा फर्ज था। बहुत पुराना डायलॉग है यार। फर्ज की कोई फीस नहीं होती। हाँ, है ये नया डायलॉग है। आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं ना? एक काम करेंगे, जरा एम्बुलेंस बुला दीजिए। एम्बुलेंस? हम लोग चेक कर आए। Thank you.
तुम? हाय। हाय। आखिर ये कार्स बीच रास्ते में पंक्चर क्यों हो जाती है? मुलाकात के लिए। इसका मतलब है आपको लिफ्ट चाहिए। मेहरबानी होगी। याद है जब हमें लिफ्ट की जरूरत थी तो आपने बड़ी बदतमीजी की थी। उस दिन तो नहीं लेकिन बदतमीजी आज करूंगा। आप कहां मिलोगी और कब? जाने की इतनी जल्दी में क्यों हो? मेरे भाई घर पे है, उनसे तो मिल लो। अरे बाप रे, मारेंगे तो नहीं? गजाम जी। बोलो श्याम जी। मालूमात करो, छानबीन करो, इन्वेस्टिगेट करो। इस लड़के की नियत की फिंगरप्रिंट्स लो, इरादों के फुटप्रिंट्स लो, इसके दिल का ताला तोड़ के अंदर जाओ। देखो इसके दिल के किसी कोने में कोई दूसरी लड़की तो नहीं है। भैया। नमस्ते। भैया तुम अंदर जाओ छुटके। मैं भी बाहर जाऊं? नहीं, आज फैसला हो ही जाए। गंजाम जी। बोलो श्याम जी। पूछने पर तो यही कहेगा कि इसे हमारी बहन से प्यार है। पूछने पर तो यही कहेगा? झूठ है, ये सरासर झूठ है। इसे हमारी बहन से नहीं, हमारी बेशुमार दौलत से प्यार है। तो फिर अलमारी से टेका लगा के ऐलान करो श्याम जी। अभी करते हैं। जाओ। ये शादी नहीं हो सकती। जी लड़के, हमें तुम्हारी आंखों में लक्ष्मी की चाहत नजर आ रही है। लक्ष्मी? मैं किसी लक्ष्मी लड़के का नाम तक नहीं जानता। घनश्याम जी। बोलो श्याम जी। ये हमें बेवकूफ समझता है। उबर। तुमसे कहो कि दौलत वाले बेवकूफ नहीं होते। इससे कहो कि इसने 114 रुपए की पतलून पहनकर हमारे घर में आकर हमारी बहन का हाथ मांगने की जुरत कैसे की। इसके मुंह पे दौलत मारो और इसे यहां से बाहर निकालो। लड़के, तुम्हें हमारी छुटकी से मोहब्बत नहीं है, तुम्हें हमारी दौलत से मोहब्बत है। ये लो ब्लैंक चेक और अपनी मनचाही रकम भर लो और हमारी छुटकी की जिंदगी से बहुत दूर चले जाओ। ये लो साइन। वो छोटा है, डेट डालो। ये लो और दफा हो जाओ। क्या है कि वैसे मैं दहेज के खिलाफ हूं, फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुक भाई, भाई भाई रुक जा भाई, रुक रुक रुक। अरे तुम बिल्कुल हमारे मन चाहे लड़के हो। क्या है कि जिस लड़के को लक्ष्मी से प्यार नहीं वो हमारी छुटकी को खुश कैसे रख सकेगा। बराबर, हम तुम्हारे इम्तिहान ले रहे थे। कि हम लोग जासूस लोग हैं, व्यापार से लेकर प्यार तक हर चीज की छानबीन करते हैं। हम तुम्हारी छानबीन कर रहे थे, तुम छानबीन में बिल्कुल सही उतरे। अब तुम्हारी शादी हमारी छुटकी के साथ पक्की, मुबारक हो जीजा जी, हमारे मन चाहे जीजा जी। लेकिन जहां तक शादी की मुहूर्त का सवाल है तो इस महीने की 32 तारीख को जी नहीं ज्यादा हो गया नहीं 22 तारीख को। बस बाकी बातें मैं अपनी माँ को यहाँ लाकर करूंगा। अच्छा, एक बात कहूँ? बोलो। अगर आप दोनों हमारे हिंदुस्तान के खुफिया विभाग के लोग हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। इसका हाथ गलत डायरेक्शन में गया मगर बात सही कही इसने। ये पहला हिंदुस्तानी जिसने हम लोगों को पहचाना है। अरे वो सब भूल जा, अरे से कह के अपनी माँ को जल्दी लेकर आए। अरे आए, अपनी माँ को लाना भूलना नहीं है। अपनी माँ को जरूर लाना।